जिन हाथों की उंगली पकड़कर उसने चलना सीखा था, उन्हीं हाथों ने उसे काट डाला। जिन हाथों में वह राखी बांधती थी, उन हाथों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की, जहां एक बेटी को प्रेम करने की सजा उसके पिता और भाई ने अपनी आन शान के खातिर उसे कुल्हाड़ी से काट डाला। वो तड़पती रही और चिल्लाती रही और उसके पिता और भाई उसे काटते रहे। उपचार के दौरान फिर उसकी मौत हो गई। पिता और पुत्र दोनों फरार हैं। फिरोजाबाद के सरकारी ट्रॉमा सेंटर में जिंदगी और मौत के बीच झूलती यह है किरण, जो गांव नगला नाथू की रहने वाली है। इसकी यह हालत इसके पिता और उसके भाई ने की है। आपको बता दें कि मामला ऑनर किलिंग का है। किरण गांव में ही एक युवक से प्रेम करती थी। जब इसकी खबर उसके भाई और पिता को लगी, तो उन्होंने कुल्हाड़ी से उसको काट डाला, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। गांव वालों ने तत्काल प्रभाव से पुलिस को फोन करके बुलाया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किरण को उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर भेज दिया है, जहां डॉक्टर ने किरण को उपचार के लिए आगरा रेफर कर दिया है, क्योंकि उसकी हालत बहुत ही गंभीर थी। लेकिन आगरा में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। किरण का भाई और पिता दोनों अभी फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। इस तरह घर वालों को बेटियों की हत्या करना प्रेम प्रसंग को लेकर पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी ऐसे कई मामले ऑनर किलिंग के सामने आए हैं। फिरोजाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। आपका नाम? आपका नाम क्या? हमारा नाम क्या? कविता। कौन सा घर है आपका? अच्छा, ये जो लड़की जो खत्म हुई है रात को, तो ये जिससे आप प्रेम संबंध चल रहा था, वो कौन है आपका? वो देवर है हमारे। देवर है, उसका नाम क्या है? अवनीश। अवनीश, तो क्या मामला था? अरे बता नहीं रहे, उनकी बड़ी बहन थी ना। इस लड़की को क्यों मारा गया है? मारा ये गया कि लड़की मतलब शादी के लिए कह रही थी, शादी करने के लिए। अच्छा। तो इन लोगों ने कह दी हम शादी कर ले लली, तू राजीनामा कर ले। तो वो लली वो राजीनामा के लिए तैयार है भी। तो जब बाप राजीनामा ना कर अंदर हो तो लड़की को। लड़की के बाप का नाम क्या? वो है मुन्नी लाल। और लड़की का? लड़की किरण। तो राजीनामा ना कर अंदर रही थी। क्यों नहीं राजीनामा करने के लिए? पता नहीं। तो अब जब दिन में नहीं करना, माँ चौकी पर नहीं ले जाने दी उस लड़की को, तो सर दिन में नहीं 12-1 बजे पे टहना हुए टाँचिया सब ने देखो टहना। तो हम लोग जानते लकड़ी फड़े निकले कर रहे हैं का बात है ऐसा। तो समझा हम यहाँ 11 बजे परे थे, यहाँ पे बैठे था दही, तो यहाँ मार रहे थे, मोड़ी रो रही थी। तो हमने की पापा हमारे ससुर आए भी, बोले कहे मोड़ी मार रहे, देखो चल के मोड़ी को मार रहे हैं। नहीं कहा तो मेरे ससुर बाहर कर भी गए, तो हलो मोड़ी मनते लाया। मोड़ी जब बोली कि हम यहाँ तो देख रहे थे खड़े, जीत जाओ तो सब दिखाई रहो, तो कि हम मरे जाए, हम मरे जाए, हम कट जाए, हम शादी करें तो बैठ करें ना, करें ना शादी, हम मर जाए। लड़की जी बोली तो बिन्ने की मर जाए, तो बिन्ने बाप गोड़ पकड़े खेच के जानते है अब खटिया खड़ी है, तो जाएगा टाँची मोड़ी के मार दो। और इतना बड़ा पत्थर है, तो 2-3 ना बच बच पत्थर मुड़े मार दो। अच्छा। तो वो लड़की की आवाज बन रही थी बिल्कुल, तो बोली ना पाई कछ। फिर कही सब लोग ने कि मोड़ी मार दी, मार दी मोड़ी, और जो सब लोग खटे हुए तो उन तो बाजे को मार मुड़ के। आपके परिवार के लोग कहाँ हैं? मेरे परिवार के होते ही होंगे बाहर ही, ससुर तो हमारे संग ही है, लड़की की मट्टी के संग ही, हाँ उनके साथ ही है। चाची गई थी वो सवेरे लौट आई है मुझसे टेन तक। पति कहाँ है आपके? पति वो बुखार आया तो दवाई ले फिर खड़े थे। बात प्रकाश में आई है कि किरण थी 19 वर्ष की लड़की, जिसके पिता ने इसको बेरहमी से इसकी पिटाई किया और जिसकी बाद में उपचार के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। इस पर पुलिस कार्रवाई की जा रही है। मामला सामने आया सरदमन नगर का। अब इसमें को पिता से उसकी ना पिता से आपस में इन दोनों की नाराजगी थी माँ बेटी की, तो पिता ने इसको जो गांव वालों का कथन दिया है कि पिता ने इसको बेरहमी से मारा। क्या नाम है आपका? या कौन से गांव से हैं आप लोग? अच्छा ये बताइए, ये बच्ची इस हालत में यहाँ लाए हैं आप, क्या ये क्या नाम है इस बच्ची का और क्या हुआ इसे? इसके बाप ने खुद मारा।
कोई वजह मालूम है कि किस बात को लेकर मारा है? नहीं, हम तो दूसरे गांव में दावत खाए गए थे हम लोग से भैया ने, वो तो दावत खा के आए तो माता मरी मिली थी, एकदम अकेले रह गए। दावत खा के आए गए? नहीं तो अच्छा, आपने इसकी सूचना पुलिस को दी अभी तक? हाँ, हम लोगों ने दी। पुलिस आई थी यहाँ तक? तीन गाड़ी गई है पुलिस की। यहाँ फिरोजाबाद है ट्रामा सेंटर, आप लेके आए हैं तो पुलिस यहाँ आई थी? यहाँ नहीं आई, वहीं तक आई। क्या नाम है इसके पिता का? मुन्नीलाल। डॉक्टर साहब, एक युवती आई है गंभीर हालत में, क्या मामला है, किस तरह की हालत है उस युवती की? अभी मध्य रात्रि करीब 1:25 पर एक युवती, इसका नाम किरण है, उम्र करीब 18 वर्ष, पिता का नाम श्री मुन्नीलाल, इसको नगला नाथू थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद से लाया गया है। इसके साथ इसके अपने परिजन कोई नहीं है, उनके साथ में उनके गांव के ही लोग हैं, पड़ोसी हैं कुछ, वो लेके आए हैं। जैसा हमने उनसे पूछा कि इनके घर के लोग क्यों नहीं हैं, तो उन्होंने बताया कि इनके घर के लोगों ने ही उसके संग ये जितने भी चोटें आई हैं वो उन्होंने ही मारी हैं। जैसे उसका मुआयना किया गया है, युवती के बहुत ही गंभीर अवस्था में है वो, उसके बहुत गहरे घाव हैं और पूरे चेहरे पर, पूरे सिर पर कान कटे हुए हैं, काफ़ी गंभीर हालत में है, बेहोश है और उसका उपचार यहाँ पे ट्रामा सेंटर जिला चिकित्सालय फिरोजाबाद में चल रहा है इस समय में, और प्रयास है कि इसे अगर मेडिकल कॉलेज के लिए भी ये पता लग पाया सर किस चीज़ के घाव हैं, किस चीज़ से उस पर प्रहार किया गया है? जैसा देखने में लग रहा है वो धारदार हथियार के घाव लग रहे हैं। कैसी स्थिति है इस समय पेशेंट की? स्थिति काफ़ी गंभीर है, गंभीर स्थिति है, और क्योंकि सिर में अंदर भी उसके चोट है, उसकी आंखें नहीं खुल पा रही हैं, पूरा चेहरा सूजा हुआ है और कई सारे कटे हुए घाव उसके चेहरे पर, गाल पर, कान पर और सिर पर हैं। तो उसे, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि उसके हेड इंजरी भी है, सिर के अंदर भी उसके चोट हैं, जिसके लिए अभी मैं एडमिशन ओपन एसएचजे मॉडर्न स्कूल सीबीएसई पैटर्न के साथ, जहां आपके बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा और स्वच्छ वातावरण दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, कंप्यूटर क्लासेस, कन्वेंस फैसिलिटी, अनुभवी शिक्षक एवं बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराती है। क्लास प्लेवे टू 8 एसएचजे मॉडर्न स्कूल, लेन नंबर 7 सरस्वती नगर फिरोजाबाद, मोबाइल नंबर 9719022116, 9259725111, डायरेक्टर ओम प्रकाश शर्मा।